हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिन आज दिनांक होगी अपने 8/1/2021 कक्षा बीएड सेकंड ईयर गणित शिक्षण इकाई दिन का दिन प्रयास प्रक्रम बताऊंगा। अभी गणित अध्यापक के कर्तव्य कल अपने गणित अध्यापक के साधने गुणों के बारे में देख लिया था। आज हम गणित अध्यापक के गणित अध्यापक के कर्तव्य गणित अध्यापक के कर्तव्य कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए कि जिससे वो अपने गणित विषय में अच्छे से निखार कर सके, गणित विषय को अच्छे से चला सके। डेविस ने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय की सफलता मुख्य रूप से शिक्षक पर निर्भर द्वारा भी कोई समुदाय प्रभावशाली विद्यालय का निर्माण नहीं कर सकता। यानी किसी विद्यालय का अगर किसी विद्यालय का सफलता अगर माने तो शिक्षक के ऊपर ही है। अगर किसी विद्यालय का अगर अच्छा नाम हो रहा है, किसी विद्यालय का अगर बोले कि ये बताया जा रहा है कि अभिभावकों को द्वारा बातें की जा रही है कि नहीं विश्वविद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं और उनके कर्तव्य अच्छे हैं, तभी उसी विद्यालय की तारीफ की जाती है। तो आज हम उन्हीं अध्यापकों के कौन कौन से एक कर्तव्य होते हैं उनके बारे में। सुकरात ने भी कहा है कि यदि व्यक्ति के सद ज्ञान व सद गुण नहीं हो तो वह सद व्यवहार अवश्य करेगा। यदि व्यक्ति में सद ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, सद गुण यानी सच्चे गुण निहित हो तो वह सद व्यवहार अवश्य करेगा। यानी अगर उसके मन में अच्छा ज्ञान हो और अच्छे गुण हो तो वो दूसरों के साथ में भी व्यवहार अच्छा करता है। अगर उसके अंदर पहले से ही अगर गैर जिम्मेदारी वाले गुण हो और अवगुणों का संचार हो तो वो दूसरों के साथ में व्यवहार भी वैसा ही करेगा। इसलिए जैसा व्यक्ति सोचता है जिससे अच्छे गुण होंगे वो दूसरों के साथ में भी अच्छा व्यवहार करता है। अतः गुणों के साथ अध्यापकों को अपने कर्तव्य का पालन भी अवश्य करना चाहिए। तो वे कर्तव्य नहीं हो सकते हैं एक एक मतलब अपने गुणों को संजोने के प्रति दायित्व। सॉरी, पहला गुण है कि छात्रों के प्रति मित्रवत व्यवहार। छात्रों के प्रति मित्रवत व्यवहार। दूसरा है कि छात्रों के साथ में एक मित्रवत जैसा व्यवहार करें, एक पिता पुत्र के जैसे व्यवहार करें, न कि आप उनके ऊपर ये ध्वज दबाएं कि मैं टीचर हूं। नहीं, आप एक मार्गदर्शक हो, एक पथ प्रदर्शक हो। आप बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो उन पर रास्ता दिखाएं, न कि उनके ऊपर ध्वज दबाएं। छात्रों की रुचि और आवश्यकता का ध्यान दें। छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखें। यानी बच्चों की क्या क्या रुचि है, बच्चों की क्या क्या आवश्यकता है, उन सभी बातों का ध्यान में रखें एक टीचर कि कौन सा बच्चा कौन सी विधि से पढ़ेगा, क्या चाहता है, कौन से नोट्स चाहता है, किस और कौन सी रुचि रखता है,
उसके हिसाब से प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। सभी छात्रों को सम्मान की दृष्टि से देखना है, सभी छात्रों को सम्मान की दृष्टि से देखना, सम्मान की दृष्टि से देखना यानी उनको सम्मान की दृष्टि से देखना, न कि एक विद्यार्थी के रूप में, नहीं वह भी एक सम्मान के हकदार है, तो हमें उनको वैसा ही सम्मान देना चाहिए जैसे हम दूसरों के साथ में करते हैं, हमारे हम उम्र के साथ में करते हैं। हमको हमें उनको आप करके बोलना है और अपशब्द उपयोग में नहीं लेना है। मनोवैज्ञानिक विद्या द्वारा शिक्षण कार्य, मनोवैज्ञानिक शिक्षण मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा, मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षण कार्य, आपका जो शिक्षण कार्य हो वो मनोवैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। हर दिन आपके पढ़ाने में चेंज आना चाहिए, हर शिक्षण विधि में परिवर्तन आना चाहिए, आपके पढ़ाने में आपके समझाने में हर चीज अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद में छात्रों की समस्या व आवश्यकता की जानकारी रखना, छात्रों की समस्या और आवश्यकता की जानकारी, छात्रों को गणित के प्रति प्रोत्साहन करना, छात्रों को गणित विषय के प्रति, गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करना, रुचि व प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन देना या करना, यानी उनको विषय गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करनी, गणित विषय के प्रति उनको जिज्ञासा पैदा करनी, ज्यादा से ज्यादा वो गणित को पढ़े, ज्यादा से ज्यादा गणित को समझे, इसलिए उनके अंदर उनके मस्तिष्क में इन चीजों का संचार करना चाहिए। फिर छात्रों में सहयोग प्राप्त करना, तथा उन्हें सहयोग देना, छात्रों के साथ सहयोग प्रदान करना, उनका सहयोग करने का कोई भी दिक्कत सहयोग प्रदान करना। बच्चे के हाथ में भी चुनकी आती है, कोई भी शिक्षार्थी के अंदर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आती है, तब हमें उनका सहयोग करना है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों के साथ भाग लेना, सातवा है पाठ्य सहगामी क्रिया, सहगामी क्रियाओं में सहयोग लेना, सहयोगी क्रियाओं में भाग लेना, भाग लेना यानी जो भी कॉलेज स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, ये विद्यालय स्तर पर जो भी सहगामी गतिविधियाँ की जाती है, और सहगामी गतिविधियाँ कैसे जैसे वाद विवाद है, उत्सव है, खेल का कार्यक्रम है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं पढ़ने के अलावा, तो उनमें भी एक शिक्षकों को भाग लेना चाहिए। फिर अध्यापकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, प्रधानाचार्य को संभव सहयोग देना, प्रधानाचार्य को संभव सहयोग देना, यानी जो विद्यालय के हेड होते हैं प्रधानाचार्य, उनको हर तरह से सहयोग देना, सहयोग करना, समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करना, समाज के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत करना, आदर्श प्रस्तुत करना। दसवां है अपने आप को अनुशासित रखना, अपने आप को अनुशासित रखना यानी अपने अनुशासन बनाए रखना, जैसे समय पे आना,
ये सब अनुशासन में होना चाहिए। अपनी संस्कृति के संरक्षण में योगदान देना है, अपनी संस्कृति में सहयोग देना है, अपनी संस्कृति में सहयोग देना। अब आगे है राष्ट्र हित में व्यक्तिगत हित को क्या करना है, राष्ट्र हित में सहयोग देना है, राष्ट्र हित में सहयोग देना, राष्ट्र हित में सहयोग देना। ऐसे बहुत सारे अध्यापक के कर्तव्य है, जैसे व्यक्तिगत जीवन में मार्ग प्रदर्शन करना, आप दूसरे साथी अध्यापक के साथ में सहानुभूति व्यवहार करना, प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित कार्यों को निष्ठापूर्ण कार्य करना, छात्रों के अभिभावक के साथ में उचित संबंध अच्छा व्यवहार बना के रखना, तो ऐसे बहुत सारे कर्तव्य है जिसको वो निभाते हुए अपने अच्छे कार्य कर सकते हैं और अच्छे शिक्षक कहलाते हैं। आज के लिए हम इतना करेंगे, अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर